अज़मत-ए-क़ुरान नहीं दे सकते और अपने आका की कभी शान नहीं दे सकते, अपने आका की कभी शान नहीं दे सकते, अपने आका की माशाल्लाह। ये मेरा छोटा भाई है और एक बड़ा भाई का ख्याल तो करना ही चाहिए, बुजुर्गों ने यही सबक पढ़ाया है जी माशाल्लाह, कि हम कभी अज़मत कुरान नहीं दे सकते और अपने आका की कभी शान नहीं दे सकते, अपने आका की कभी शान नहीं दे सकते, जाके कह दे कोई मलून वसीम रिज़वी से, जाके कह दे कोई मलून वसीम रिज़वी से, जाके कह दे वसीम रिज़वी से कि जान दे सकते हैं ईमान नहीं दे सकते, जान दे सकते हैं ईमान नहीं दे सकते। और एक मतलब और एक बंद मिला है और ये बंद में आरिफ महबूब हसन साहब का आप समाप्त कीजिए माशाल्लाह, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। हम समझते हैं कि कोई नहीं है सुने होंगे जी, आज फंसते हम पढ़ रहे कि मस्जिद में अज़ान जब होती है, मस्जिद में अज़ान जब होती है, मस्जिद में अज़ान जब होती है, ईमान की खुशबू आती है मस्जिद में अज़ान के, इतनी सी भी फुर्सत नहीं तो क्या होगा और इतनी सी भी मोहलत नहीं तो क्या होगा, हर रोज यूं ही टालते हो कल पे नमाज, कल कहीं रोजे कयामत हो तो फिर क्या होगा। मोमिन के लिए जान हस्ती है नमाज, ईमान की आगोश फिर किसी कीमत ये मिलती नहीं दुनिया वालों, अभी तो सस्ती है नमाज। अरे मस्जिद में, मस्जिद में अज़ान जब होती है, मस्जिद में अज़ान जब होती है, ईमान की खुशबू आती है शाबान के आते ही जैसे, अरे शाबान के आते ही जैसे रमजान की खुशबू आती है, शाबान आते ही जैसे, शाबान के आते ही जैसे, नयका दस्तक वाला कर जैसे 500 दे दिया बड़ा धोखा हो जाता है कि मस्जिद में अज़ान जब होती है ईमान की खुशबू आती है शाबान के आते ही जैसे रमजान की खुशबू आती है शाबान के। शेर शेर के ईमान अकीदत महकेंगे मोमिन के दिलों से इसी तरह, ईमान अकीदत महकेंगे मोमिन के दिलों से इसी तरह, अरे वलियों के मज़ारों से जैसे
ولیوں کے مزاروں سے جیسے لو پان کی خوشبو آتی ہے ولیوں کے مزاروں سے جیسے ولیوں کے مزاروں سے جیسے ایمان کی خوشبو آتی ہے شعبان کے آتے ہی جیسے رمضان کی خوشبو آتی ہے۔